ठीक है ना। चलिए अब सेशन को स्टार्ट करें। आर यू रेडी? यस। सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ये सेशन है जिसे हम सी ए क्लब इंडिया के साथ, ठीक है, जॉइंटली पढ़ा रहे हैं। तो इस सेशन का जो क्रक्स है, वो क्रक्स क्या है कि भाई ये हमारा 10 घंटे का सेशन चलेगा। डेली 7 से 9 बजे तक क्लास होगी, 2 घंटे की डेली क्लास होगी। अगर किसी दिन कोई दिक्कत हुई क्लास में, मान लो मेरी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो मैं आपको पहले से ही मैसेज डाल दूंगा कि भाई आज क्लास नहीं होगी। वैसे कोशिश ये रहेगी कि हम इसे मंडे से शुरू करके फ्राइडे तक इस क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। अब ये जो हमारा 10 घंटे का कोर्स है, ये बेसिकली जो है जीएसटी का एक हिस्सा है। वैसे जो जीएसटी का पूरा कोर्स होता है वो लगभग 50 घंटे का, 60 घंटे का, 80 घंटे का, 100 घंटे का, इस तरीके से चलता है। लेकिन कई बार क्या होता है, एज ए प्रोफेशनल, ठीक है ना, एज ए अकाउंटेंट्स, एज ए एडवोकेट्स, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हम पे इतना समय नहीं होता कि हम पूरे कोर्स को गो थ्रू करें। तो कई बार हम क्या करते हैं, इस कोर्स को टुकड़ों टुकड़ों में कराते हैं। जैसे कि हमने एक टुकड़ा उठा लिया और जो टुकड़ा है हमारा जीएसटी रिटर्न्स का। तो जब हम जीएसटी रिटर्न्स की बात करते हैं तो जीएसटी रिटर्न्स के अंदर हम यहाँ पर इस कोर्स में प्रैक्टिकल भी कराएंगे, थ्योरी भी कराएंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल भी कराएंगे, थ्योरी भी। तो पहले की जो क्लासेस होंगी, ठीक है, 1, 2, 3 क्लासेस, उसमें हम थ्योरी करेंगे और फिर अगली जो 2 क्लासेस होंगी उसमें प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, या 50-50% मान लो थ्योरी रहेगी, 50% प्रैक्टिकल रहेगा। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, ठीक है ना। अब इस चीज़ को समझो कि हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसके अंदर जब भी हम रिटर्न्स की बात करते हैं जीएसटी में, तो जीएसटी में जो रिटर्न्स होती है वो शुरू होती है सेक्शन 37 से। जो रिटर्न्स के सेक्शन शुरू होते हैं वो शुरू होते हैं सेक्शन 37 से और हमारे ख़त्म होते हैं सेक्शन 48 तक। ये हमारे 37 से लेकर 48 तक सेक्शन होते हैं जिसके बारे में हम इस कोर्स के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि सर आपने तो यहाँ पर 39 से शुरू करा, तो सर 37 और 38 कहाँ गया? 37 और 38 ऊपर हमने डिस्कशन कर रखा है। तो पहले स्टार्टिंग से आप ये 8-10 जो सेक्शन है, ठीक है ना, जो 8-10 सेक्शन है, इसके बारे में समझ लीजिए कि ये सेक्शंस क्या कहते हैं। भाई इन सेक्शंस की अगर मैं आपको बात बताऊँ, ये हमारे जो सेक्शंस है ये किस में डिस्कशन, क्या क्या हमारा डिस्कशन इसमें करना है। तो सेक्शन 37 सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, हमारा सेक्शन 37 बात करेगा GSTR 1 की, कि भाई GSTR 1 या IFF कैसे भरी जाएगी। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना कि सर ये GSTR 1 है क्या, ये पूरा का पूरा थ्योरी और प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होगा कि भाई क्या होती है GSTR 1, ठीक है, कोई मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताएगा क्या होती है GSTR 1, क्या होती है GSTR 1, कोई मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताएगा, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि भाई आप लोगों का लेवल कितना है, ठीक है, क्लासेस का। तो एक बार मुझे कोई चैट बॉक्स में लिखकर बताए कि GSTR 1 क्या है, जो कि हमारा सेक्शन 31 डील करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है ना, हाँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है ना, आउटवर्ड सप्लाई डिटेल्स रिटर्न। बिल्कुल ठीक आपने बताया कि भाई सेल्स रिटर्न की डिटेल। जब भी कभी हम, ठीक है ना, जब भी कभी हम बात करेंगे रिटर्न्स की, तो जीएसटी के अंदर जो पहली रिटर्न्स है, हालांकि इसे रिटर्न्स का दर्जा नहीं दिया गया है, इसे एक स्टेटमेंट का दर्जा दिया गया है, इसे रिटर्न्स का दर्जा नहीं दिया गया है, इसे एक स्टेटमेंट का दर्जा दिया गया है। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई GSTR 1 कैसे प्रिपेयर होएगी, कैसे फाइल होएगी, वो सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो ये जो GSTR 1 है इसे डील करता है सेक्शन 37। तो सेक्शन 37 के अंदर हम पढ़ेंगे, सेक्शन 37 के अंदर पढ़ेंगे कि भाई GSTR 1 कब भरनी है, अगर उसमें कुछ गलती हो गई तो उसे कब अमेंड कर सकते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम सेक्शन 37 से डील करेंगे। तो पहला जो रिटर्न्स का सेक्शन है वो सेक्शन 37 से ही शुरू होता है। अब अगला सेक्शन, सर अगला सेक्शन किस चीज़ का है? अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर 38। आप चाहो तो साथ के साथ लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सेक्शन है सेक्शन 38। वैसे ये रिटर्न्स का सेक्शन नहीं है, लेकिन चूंकि ये इसी चैप्टर में आता है तो हम इसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे ही आप GSTR 1 डालते हो, जैसे ही आप GSTR 1 भरते हो, तो जो आपका ये GSTR 1 भरता कौन है, सप्लायर। कौन भरता है? सप्लायर।
जैसा कि आप लोगों ने लिखकर बताया कि भाई ये आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल है, तो ये जो आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल है ये भरता है सप्लायर, जो व्यक्ति माल को बेच रहा है या जो सर्विस को दे रहा है। तो जैसे ये सप्लायर अपनी GSTR1 भरता है तो जो रिसीवर होता है, ये वाली डिटेल रिसीवर के एंड पर, मतलब कि जो गुड्स और सर्विस परचेज कर रहा है उसके पास एक रिटर्न होती है जिसका नाम होता है GSTR 2B, या हम बात करें 2A, इसे हम 2B और 2A बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो जब ये 2B और 2BA के अंदर आ जाता है तो सेक्शन 38 हमारा क्या कह रहा है, सेक्शन 38 हमारा ये कह रहा है कि अगर सप्लायर ने डिटेल डाली अपने GSTR 1 में, ठीक है ना, और आप चाहते हो कि वो आपके GSTR 2B में आ जाए, तो आपके सप्लायर्स को कुछ क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना पड़ेगा। अगर आपका सप्लायर वो क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं करता है जो कि सेक्शन 38 में लिखा हुआ है, तो ये वाला जो ITC है, क्योंकि जैसे ही सप्लायर अपने GSTR 1 में डालता है तो रिसीवर के 2B और 2A में दिखा देता है, जिससे कि जो रिसीवर होता है उसका वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेता है। तो इन्होंने सेक्शन 38 में लिखा कि भाई वैसे तो हम जो भी सप्लायर डिटेल डालेगा वो आपको रिसीवर एंड पे 2A 2B में मिल जाएगी, लेकिन अगर आपके सप्लायर ने कुछ सर्टेन क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं करा तो वो आपकी जो डिटेल होगी आपको उसका ITC नहीं मिल पाएगा। ये वाली कहानी लिखी हुई है सेक्शन 38 में। तो सेक्शन 38 हम किस पर्पज के लिए पढ़ेंगे कि हमारे को सप्लायर, किस सप्लायर से माल खरीदना है, किससे नहीं खरीदना, और अगर हमारा सप्लायर सेक्शन 38 के अंतर्गत आ गया तो हमारे को, हम उससे परचेज तो करेंगे लेकिन हमें उसका ITC नहीं मिलेगा, ये बात हमारे को ध्यान में रखनी है। ये वाली चीज़ क्लियर हो गई सेक्शन 38। मैं पहले आपको एक बाउंड्री बता रहा हूँ, एक मैं आपकी बाउंड्री ड्रॉ कर रहा हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है। ये वाली चीज़ क्लियर हो गई या नहीं, इसमें कोई डाउट हो तो बोलो किसी को। ये वाली चीज़ में किसी को कोई डाउट है, सेक्शन 37 या 38 में किसी को कोई डाउट है, सेक्शन 37 या 38 में कोई डाउट है, बोलो। हाँ जी, नहीं सर, हमारे को इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है तो हम अगले सेक्शन पे चलते हैं, जो कि हमारा सेक्शन है सेक्शन 39। तो भाई मैं आपको कहूँगा, जैसे कि अभी इस क्लास के अंदर 2 ही लोगों ने वीडियो ऑन कर रखी है 10 में से, तो ये एक सही तरीका नहीं है क्लास को पढ़ने का, इसमें आप टाइम पास कर रहे हो, ठीक है ना। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ ना हो तो आप कम से कम अपनी वीडियो ऑन करके रखें। और अगर आप ये कह रहे हैं नहीं सर हम तो वीडियो ऑफ़ करेंगे, तो अगर आप ये सोचो अगर मैं भी वीडियो ऑफ़ कर लूँ तो क्या आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, अगर मैं वीडियो ऑफ़ करके पढ़ाता रहूँ आपको तो क्या आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो जैसे आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा वीडियो ऑफ़ करके, ऐसे ही मुझे बहुत अच्छा मज़ा नहीं आता जब मेरे पार्टिसिपेंट्स वीडियो ऑफ़ करके रहते हैं, और आपका भी इसमें नुकसान रहता है। तो इसलिए ट्राई कीजिएगा कि अगर आप कंफर्टेबल है तो वीडियो को ऑन करके बैठे, ठीक है ना, अगर आप वीडियो का कोर्स का फुल मज़ा लेना चाहते हैं, ठीक है। अब अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन 39। अब ये जो सेक्शन 39 है, जैसे हमने GSTR 1 भरी सेक्शन 37 से, सेक्शन 38 ने बताया कि भाई जो जो डिटेल आप डालोगे आपके रिसीवर को उसका ITC मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने कुछ ऐसे सप्लायर है जिनसे परचेज करा जो कि सेक्शन 38 में लिखे हुए हैं तो ITC आपको नहीं मिलेगा, टेम्परेरी रूप में आपको ITC नहीं मिलेगा। तो दोनों सेक्शन पढ़ना ज़रूरी है। अब इसके बाद हमारा तीसरा सेक्शन है जो हमारा सेक्शन बात करता है सेक्शन 39। सर ये किस चीज़ की बात करता है, सेक्शन 39 हमारा ये कहता है कि जो भी रिटर्ने हैं वो सारी की सारी सेक्शन 39 में। जैसे कि अगर मैं बात करूँ GSTR 3B, आपने सुना होगा वो हमारी सेक्शन 39 से डील होती है, आपने सुना होगा GSTR 4, ठीक है ना, GSTR 4 जो होती है वो भी हमारी, ठीक है, सेक्शन 39 से डील होती है। इसके बाद आप एक रिटर्न पढ़ोगे GSTR 5, जो कि नॉन रेजिडेंट को फाइल करनी होती है, वो भी सेक्शन 39 से ही डील होती है। फिर आप एक रिटर्न पढ़ोगे GSTR 6, वो भी सेक्शन 39 से डील होती है। एक बार एक रिटर्न पढ़ोगे GSTR 7, वो भी सेक्शन 39 से डील होती है। फिर उसके बाद ये कहता है कि भाई आपको टैक्स की पेमेंट कैसे करनी है, ये वाली बात भी सेक्शन 39 से डील होती है। इसके अलावा, ठीक है ना, कि आपको नील रिटर्न भी फाइल करनी है, ये बात भी सेक्शन 39 में लिखी हुई है। इसके अलावा कि आप अपनी रिटर्न्स की गलतियों को कब तक ठीक कर सकते हैं, ये बात भी सेक्शन 39 में लिखी हुई है। तो हमारा जो सेक्शन 39 है वो मेनली
ठीक है ना, 11-12 सबसेक्शन से मिलाकर बना हुआ है, और इन 11-12 सबसेक्शन में डिफरेंट टाइप्स की रिटर्न्स और टैक्स की पेमेंट्स और रिटर्न्स को कैसे रिवाइज करें, वो सारी कहानी सेक्शन 39 में लिखी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 3B कौन से सेक्शन से जाती है, 4 कौन से सेक्शन से जाती है, 5, 6, 7 ये कौन से सेक्शन से जाती है, तो आप उसे बोलोगे कि भाई ये सारी रिटर्न ने सेक्शन 39 से जाती है। ठीक है, तो सेक्शन 39 का दायरा आपको क्लियर हो गया। अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछे सेक्शन 39 को लेकर कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, सेक्शन 39 को लेकर कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। नहीं सर, सेक्शन 39 को लेकर हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद आता है 3 लाइनों का सेक्शन है, सेक्शन 40, जिसे हमारे को पढ़ना है। इसे बोलते हैं फर्स्ट रिटर्न। क्या बोलते हैं? फर्स्ट रिटर्न। जब आप कभी रजिस्ट्रेशन लेते हो, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद कुछ एक आध कंडीशन ऐसी है, ठीक है ना, जहाँ पर सेक्शन 40 का यूज होता है। ठीक है, तो सेक्शन 40 का क्या यूज है, सेक्शन 40 का क्या यूज़ है, हम आपको जब आपको सेक्शन 40 कराएंगे उसमें बताएंगे। लेकिन अभी मान लो ये एक फर्स्ट रिटर्न है कि जो भी व्यक्ति अपनी पहली रिटर्न फाइल करता है तो कुछ केसेस में उसे कुछ डिटेल्स डालनी पड़ती है जो सेक्शन 40 हमारे को कहता है। जैसे मैं इसे एक एग्जाम्पल से बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। लेट सपोज आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा, ठीक है ना। आप रजिस्ट्रेशन का अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो रजिस्ट्रेशन का चैप्टर हमारा ये कहता है कि भाई जिस दिन भी आप लायबल हो गए, जैसे कि लेट सपोज करो आप 3 जुलाई को रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गए, तो लायबल होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। अब आपने 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करा, अब जैसे ही आपने 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करा तो आपको, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कब करा, लेट सपोज करो 26 जुलाई को, 3 जुलाई को आप लायबल हुए, 26 जुलाई को आपने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे दी और आपका रजिस्ट्रेशन आ गया, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया, और वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया लेट सपोज करो 5 अगस्त को। तो अब क्या होता है कि ये वाला जो पीरियड है इसके अंदर जो आपने सप्लाई किया है, गवर्नमेंट कहती है भाई इस पे भी तो हमें टैक्स चाहिए, सर्टिफिकेट तुम्हारा 5 अगस्त को आया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 जुलाई को आप लायबल हो गए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो 3 जुलाई से ही आपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर लिया होगा। मैंने कहा साहब 5 अगस्त को मेरे को सर्टिफिकेट मिला है, मैं तो अब अगस्त की ही रिटर्न भरूंगा, मैं तो जुलाई की रिटर्न भरूंगा ही नहीं, और ना ही मेरा पोर्टल जुलाई की रिटर्न शो कर रहा। तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 40 बनाकर इस बात को क्लियर करा कि भाई ऐसा नहीं है कि आपने जुलाई में रजिस्ट्रेशन अप्लाई करा, मिला आपको अगस्त का, तो आप अगस्त की ही डिटेल डालोगे। जो जुलाई के अंदर आपने सेल्स करी है, वो सारी की सारी सेल जो भी आप अपनी पहली रिटर्न फाइल करते हो उसमें आपको शो करनी पड़ेगी। ये वाली बात किस में लिखी हुई है, सेक्शन 40 में फर्स्ट रिटर्न में। बस ये फर्स्ट रिटर्न का कंसेप्ट इतना ही है और इसमें कुछ नहीं है। ये 4 लाइनों का सेक्शन है जो मैंने यहाँ पर आपको कराया है, ठीक है। तो सेक्शन 40 को लेकर कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं सर, सेक्शन 40 को लेकर दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद अब आपको कि सर ये रिटर्न्स का चैप्टर है तो इसमें ITC की बात कहाँ से आ गई? नहीं भाई, सेक्शन 41 हमारा बात करता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको कैसे मिलेगा, ठीक है ना, मतलब प्रोविजनल बेसिस पे मिलेगा, और अगर आपने क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करी तो आपको मिलेगा। तो जैसे सेक्शन 16 हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करता है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें ITC की सेक्शन 41 भी करता है। तो सेक्शन 41 में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है ना, कि भाई अगर मेरे सप्लायर ने टैक्स पे नहीं करा, अगर मेरा सप्लायर टैक्स पे नहीं करता है तो क्या मुझे ITC मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिल गया तो मुझे रिवर्स करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। ये वाली कहानी इनपुट टैक्स क्रेडिट की सेक्शन 41 में लिखी हुई है। वैसे ITC का जो मेन सेक्शन है 16 है, लेकिन कुछ बातें सेक्शन 41 में लिखी हुई है, इस वजह से ये हमारे रिटर्न्स के चैप्टर में आएगा। अब सर यहाँ पर आप बोलोगे सर 42, 42 और 43 दो सेक्शन आपने नहीं लिखे, तो आप इसे नोट कर लेंगे, जो सेक्शन 42 था, सेक्शन 43 था और सेक्शन 43A, ये 3 सेक्शन क्या थे, ये अब नहीं रहे,
ठीक है, पहले ये सेक्शन लो में थे लेकिन ये सेक्शन अब डिलीट हो चुके हैं। तो जब ये तीनों सेक्शन डिलीट हो गए मैचिंग मिसमैचिंग के, तो अब इन्होंने इसे ख़त्म कर दिया है, तो ये वाले सेक्शन हम कभी भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अब आप कहोगे सर सेक्शन 44 क्या गया। सेक्शन 44 जो बात करता है वो बात करता है जैसे आप अपना जन्मदिन मनाते हो, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है फर्स्ट रिटर्न का मतलब क्या हो गया, जब आप जन्म हुआ आपका तो आपके पिताजी ने पार्टी दी होगी, ठीक है ना, कि भाई चलो बच्चा बड़ा हुआ है छठी करेंगे, बच्चे की नामकरण करेंगे, तो वहाँ पे पार्टी दी होगी, वो फर्स्ट रिटर्न हो गई। अब आपका क्या होता है, हर साल बर्थडे होता है। इसी तरीके से GST में भी हर साल कुछ लोगों को एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है जिसे सेक्शन 44 डील करता है, जिसे हम GSTR 9 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो GSTR 9 कैसे भरनी है, ठीक है ना, किस किस को भरनी है, नहीं भरी तो लेट फीस कितनी लग जाएगी, ठीक है ना, वो सारी बातें सेक्शन 44 में लिखी है, ठीक है ना। तो सेक्शन 44 हमारे को इस चीज़ का बताता है कि भाई एनुअल रिटर्न आपको कब कब भरनी है, ठीक है जी। तो अब आपको रिटर्न के टाइप पता लग गए। इसके बाद ठीक है ना एक हमारी रिटर्न होती है फाइनल रिटर्न। जैसे आपने सुना होगा कि जब कोई इंसान मर जाता है तो मरने के कुछ दिन बाद उसकी 13वीं करते हैं, ठीक है, मरने के कुछ दिन बाद 13वीं करते हैं। क्यों करते हैं 13वीं, कि भाई इनकी आत्मा को शांति मिले, ये हमें परेशान ना करे। इसी तरीके से जीवन में एक बार जब भी आप GST रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करते हैं, तो आपको फाइनल रिटर्न फाइल करनी होती है। जब भी आप GST रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करते हैं तो आपको उस केस में फाइनल रिटर्न फाइल करनी होती है, ठीक है। तो फाइनल रिटर्न कब फाइल करनी है, ठीक है ना, फाइनल रिटर्न कब फाइल करनी है रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद, ये वाली बात सेक्शन 45 बताता है। इसे हम GSTR 10 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 45 क्लियर हो गया, सेक्शन 40 क्लियर हो गया, 41 45, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, अगर आप GST की रिटर्न्स को फाइल नहीं करते, तो GST की रिटर्न्स को फाइल ना करने पर आपको एक नोटिस आ सकता है। तो वो जो नोटिस आता है उस नोटिस को बोला जाता है नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर। तो जो वो नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर होता है वो सेक्शन 46 में आता है, और उस नोटिस का फॉर्म होता है फॉर्म नंबर, कोई बताएगा कौन सा फॉर्म नंबर होता है, फटाफट से बताओ कौन सा फॉर्म नंबर होता है जो वो नोटिस आता है, ठीक है, किसी ने लिखा तो है, ठीक है ना, नहीं 3A क्या होता है, फॉर्म 3A, 3A के अंदर नोटिस आता है। तो कब कब नोटिस आता है, किसे किसे नोटिस आ सकता है, ये वाली बात सेक्शन 46 में लिखी है। अब इसके बाद बहुत लोग होते हैं वो नोटिस पर भी रिटर्न फाइल नहीं करते। तो जो लोग नोटिस आने के बाद भी रिटर्न फाइल नहीं करते, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि भाई ये व्यक्ति बड़े बदमाश है, ठीक है, ये नोटिस आने के बाद भी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, तो इनके ऊपर लेट फीस लगा दो। तो लेट फीस कितनी लगती है, कैसे लगती है, ये सारी की सारी बातें किस में लिखी हुई है, सेक्शन 47 में लिखी हुई है। तो सेक्शन 47 हमारा डील करता है कि भाई लेट फीस कब कब लगेगी, कितनी कितनी लगेगी, किस किस रिटर्न्स पे लगेगी। तो अगर आपने समय से रिटर्न फाइल नहीं करी तो सेक्शन 47 के हिसाब से आपको लेट फीस लगेगी। अब इतनी सारी रिटर्न्स हो गई, इतनी सारे माथापच्ची हो गई, तो इन्होंने बोला कि भाई ये सारी माथापच्ची कौन करेगा। तो इन्होंने एक सेक्शन बनाया जिसका नाम था सेक्शन 48, मतलब कि GST प्रैक्टिशनर। तो इन्होंने एक नया कंसेप्ट निकाला कि भाई जो भी व्यक्ति GST के अंदर अच्छी नॉलेज रखेगा और हमारा एक एग्ज़ाम पास करेगा तो हम उसे GST प्रैक्टिशनर बना देंगे। तो GST प्रैक्टिशनर बनाने के बाद उसके पास एक सर्टिफिकेट आ जाएगा कि ये व्यक्ति GST प्रैक्टिशनर है, आप इससे अपनी GST की रिटर्न भरवा सकते हो, ठीक है। तो वो जो प्रैक्टिशनर होगा, ठीक है ना, वो प्रैक्टिशनर क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन हो सकती है, कैसे कैसे उसका एग्ज़ाम होगा, ये सारी कहानी किस में लिखी हुई है, सेक्शन 48 में लिखी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो GST रिटर्न्स का चैप्टर है वो सेक्शन 37 से शुरू होगा और वो सेक्शन 48 पर जाकर ख़त्म होगा। इसके बाद जो मैंने आपको एनुअल रिटर्न बताई है, तो इसमें एक हमारी GSTR 4 होती है जिसे हम अपने ड्यूरिंग द कोर्स डिस्कस करेंगे।
एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है कंपोजिशन स्कीम वाला, कंपोजिशन टैक्स पेयर। कंपोजिशन टैक्स पेयर क्या होते हैं? छोटे टैक्स पेयर होते हैं। छोटे टैक्स पेयर का मतलब क्या होता है कि भाई ये क्या करते हैं, साल में एक ही बार एक रिटर्न फाइल करते हैं। ये हर महीने या हर क्वार्टर में रिटर्न फाइल नहीं करते, साल में एक ही बार रिटर्न फाइल करते हैं। हाँ, ये जो टैक्स देते हैं वो टैक्स हर तीन महीने में एक बार देते हैं। तो जो टैक्स देते हैं वो हर तीन महीने में एक बार देते हैं, रिटर्न साल में एक बार भरते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं कंपोजिशन डीलर। क्या बोलते हैं? कंपोजिशन डीलर। तो जब हम कंपोजिशन डीलर की बात करते हैं तो उनका जो टैक्स पेमेंट है, टैक्स पेमेंट करने का जो फॉर्म होता है उसे CMP 08 बोलते हैं, उसे CMP 08 बोलते हैं। और जो इनकी रिटर्न होती है जो साल में एक बार जाती है उसे GSTR 4 बोलते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ क्लियर हो गई। तो ये हाउ टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये हमने बात करी कहाँ पर? सेक्शन 41 में। ठीक है, इसके अलावा 3V हमने बता दिया कि कैसे कैसे 3V फाइल होगी। ठीक है ना, इसके अलावा जो हम 2A 2B मैंने बता दिया कि 2A 2B कैसे क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया। फिर इसके बाद अलावा क्या है कि जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, नॉर्मल ये दो व्यक्ति होंगे GST में जिसे हम बोलेंगे कि भाई एक तो व्यक्ति होता है कंपोजिशन डीलर और एक व्यक्ति होता है नॉर्मल डीलर। तो कंपोजिशन डीलर वो व्यक्ति होता है जो कंपोजिशन स्कीम को सिलेक्ट कर लेता है, बाकी व्यक्ति को हम नॉर्मल डीलर बोलते हैं। लेकिन नॉर्मल डीलर में भी ना दो लोग होते हैं, नॉर्मल डीलर में भी दो लोग होते हैं। नॉर्मल डीलर में सर दो लोग कौन कौन से होते हैं? नॉर्मल में दो लोग ऐसे होते हैं कि भाई जिसने रजिस्ट्रेशन ले लिया नॉर्मल डीलर में, अब उसे ना दो ऑप्शन मिलते हैं कि या तो भाई तुम 3 महीने में रिटर्न फाइल करो या आप पर मंथ रिटर्न फाइल करो। तो अगर आप छोटे व्यक्ति हो, छोटे व्यक्ति को मतलब क्या है, आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, तो आप 3 महीने में, आप 3 महीने में भी रिटर्न फाइल कर सकते हो। टैक्स की पेमेंट कहते हैं हर महीने करते रहो, और टैक्स की पेमेंट हर महीने करते रहो, ठीक है, और रिटर्न 3 महीने में एक बार फाइल कर देना। या कोई व्यक्ति कहने लगे साहब मैं तो ना पर मंथ फाइल करूँगा, तो भाई ठीक है तू पर मंथ फाइल कर ले। लेकिन कुछ लोगों को ऑप्शन क्या दिया है कि तुम चाहो तो 3 महीने में रिटर्न फाइल कर सकते हो लेकिन टैक्स की पेमेंट मंथली कर सकते हो। तो इन्हें हम पुकारते हैं किस नाम से? QRMP डीलर। क्या बोलते हैं? QRMP डीलर। QRMP डीलर का मतलब क्या हो गया? क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट, क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट इसकी। ठीक है ना, तो अगर कोई व्यक्ति ने ये स्कीम ले रखी है तो उसे क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेगी लेकिन टैक्स की पेमेंट मंथली करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर 20 मिनट लगाकर हमने जो हमारे कोर्स का कंटेंट था हमने इसे समझ लिया।